पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। गौरा जी से लिखी हुई अपनी आत्मकथा हम नास्तिक कैसे हुए पुस्तक के 17 अध्याय नास्तिकता का विस्तार को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नास्तिकता कोई नया विचार नहीं है। लंबे समय से इस शब्द का प्रयोग महज निंदा करने के लिए होता रहा है। फिर भी हर वह व्यक्ति जो बाद में पैगंबर कहा गया अपने समकालीनों द्वारा ईश निंदा और धर्म त्याग के लिए प्रताड़ित किया गया। नास्तिकता ने सदैव ही विकास व परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाई। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में चार्ल्स ब्रेडल ने नास्तिकता के विचार को बहुत खुलकर सामने रखा। USA के रॉबर्ट इंगरसोल स्वयं को कहते तो मात्र स्वधर्म त्यागी ही थे, पर वे प्रचार नास्तिकता का करते थे। भारत में पेरियार ईवी रामस्वामी और उनके समर्थक स्वयं को नास्तिक कहते थे। ऐसे नास्तिक भी है जो इस नाम का खुला प्रयोग ना करके बुद्धिवाद, तर्कवाद, मानवतावाद या स्वतंत्र चिंतन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी विशेषता यह रही है कि हम खुलकर इस शब्द का प्रयोग करते हैं और हमने इसके सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों का भी विकास किया है। सन 1949 ईस्वी से हमारी संगम आर्थिक समता, इंसान और द एथिस्ट पत्रिकाएं नास्तिकता के विचार कार्यक्रम व कार्यवाहियों का प्रचार प्रसार करती रही हैं। बहुत से समर्थकों व मित्रों ने नास्तिक जीवन शैली भी ग्रहण की है। कण ने सूर्यपेट में, नर ने नोजवीड में और वेणुगोपाल ने रापोल में नास्तिक केंद्रों की स्थापना की और पटमटा के नास्तिक केंद्र के कार्यक्रमों पर काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने पटमटा के राजनीतिक कार्यक्रम को भी ग्रहण किया। कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम नहीं ग्रहण किया और अपने को मात्र सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित रखा। अंग्रेजी पत्रिका द एज ऑफ एथिज्म के संपादक जय गोपाल और उनके साथी लोगों के समूह ने स्वतंत्र रूप से विशाखापट्टनम में द एथिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संगठन बनाया और गोवा सोवर माम्स का सहभोज आयोजित किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से धार्मिक ग्रंथों की होली जलाई। वे तार्किक स्तर पर नास्तिकता की दिशा में बहुत से कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन वे लगातार यह भी कहते रहते हैं कि वे गैर राजनीतिक रोग हैं। हैदराबाद के जे वीरास्वामी भी संपूर्ण आंध्र प्रदेश में जाति प्रथा समाप्त करने का संकल्प लिए हुए हैं। वे अंतरजातीय विवाह करने व पारंपरिक जाति व धर्म सूचक नाम बदलकर धर्म व जाति निरपेक्ष नाम रखने को बढ़ावा देते हैं। कन और नर नाम इसी प्रक्रिया में फायदा हुए। विधायक सुब्बा रेड्डी ने अपना जाति सूचक नाम त्याग दिया और गमेगो नाम रख लिया। फिर भी जाति विनाश संगठन स्वयं को गैर राजनीतिक कहता है और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। विद्या और शेषगिर राव जो कांग्रेस के सदस्य है, वे सजावटी पुष्पमालाएं लेने व पहनाए जाने से निरंतर इनकार कर रहे हैं और हमारे आंदोलन से सहानुभूति के कारण अखाद्य फूलों के स्थान पर खाद्य सब्जियों को ही अपने स्वागत में स्वीकार करते हैं। आंध्र के एक मंत्री MV कृष्णाराव भी ऐसा ही कर रहे हैं। भूटान व सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे ने सन 1955 ईस्वी में आंध्र प्रदेश की यात्रा की। 7 महीनों की लंबी पदयात्रा में मेरे बेटे लवणम ने भावे के भाषणों को शब्दशः तेलुगु में अनुवादित किया। उनकी इस पदयात्रा के आयोजकों में मैं भी एक था। विनोबा प्रातः व सायंकाल में नियमित प्रार्थना करते थे। वे यह कार्य सभाओं में भी करते थे, लेकिन उन्होंने लवणम व मेरी भावनाओं का ख्याल रखते हुए इन प्रार्थनाओं को 5 मिनट के मौन में बदल लिया। उनका कहना था कि इन 5 मिनटों में लोग अपनी इच्छा के ईश्वर का मनन कर सकते हैं या प्यार, दया या सच जैसी बातों पर अपना अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार विनोबा नास्तिकों के साथ सामंजस्य बनाकर पदयात्रा करते रहे। विनोबा ने न केवल नास्तिकों को समुचित मान्यता दी, वरन वे हमारे पटमटा केंद्र पर भी आए। किसी भी विचारधारा के प्रति लोक सम्मान अतः उस विचारधारा की सैद्धांतिक पूर्णता मात्र से नहीं, वरन उसके मानने वालों के सार्वजनिक आचरण से आता है।
नास्तिकता जो लंबे समय से निंदा का एक शब्द मात्र रही है, के लिए तो यह बात और भी आवश्यक है। उसके प्रति सामान्य लोगों के दुराग्रह का कारण उनके शोषकों का कुप्रचार रहा। इसी में उनका निहित स्वार्थ होने के कारण वे और भी ज्यादा सक्रियता से नास्तिकता के चारों ओर पूर्वाग्रह खड़े करते रहते हैं। गांधी जी ने नास्तिकता की इसी गौराबंदी के विरुद्ध मुझे सचेत किया था और कहा था कि मैं कोई दूसरा नाम चुन लूँ। लेकिन अब चूंकि हमने यह नाम ग्रहण ही कर लिया है, तो हमारी दूनी जिम्मेदारी बन गई है कि हम अपने आचरण में ज़्यादा से ज़्यादा और भरपूर सावधानी बरतें। इस दिशा में मधु का उदाहरण अनुकरणीय है। इस नवयुवक ने नास्तिकता का रास्ता चुना है। सामाजिक संबंधों में उसने इतना अच्छा आचरण प्रस्तुत किया कि उसके गांव वालों ने उसे अपनी ग्राम समिति का मुखिया चुन लिया। उसने धनी व दो बार मुखिया रहे व्यक्ति को हरा दिया। उसके बेदाग चरित्र के आगे उसके विपक्षी की एक न चली। लावणम और उनकी पत्नी ने सफलतापूर्वक गुंटूर जिले में स्टोवर्टपुर में अपराधियों का पुनर्वास कराया और अपराधियों की गतिविधियों में निहित स्वार्थ करने वाले लोगों की धमकियों का सफलतापूर्वक सामना किया। उनकी स्पष्टवादित और खुलेपन ने मुख्यमंत्री जे वेंकटराव को भी प्रभावित किया और उन्होंने भी उनका समर्थन किया। विदेशियों के भारत आने और नास्तिक केंद्र पर पहुंचने से विदेशों में भी नास्तिक केंद्र का प्रचार हुआ। सन 1970 ईस्वी में मुझे कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन बोस्टन यूएसए में आमंत्रित किया गया। सन 1974 ईस्वी में यही कांग्रेस एम्स्टर्डम में हुई, वहाँ भी मुझे बुलाया गया। इससे मुझे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दूसरे देशों में घूमने का मौका मिला। माई डार्लिन मरे वो हेयर टेक्सास गया। उन्होंने सार्वजनिक स्कूलों में बाइबिल पढ़ाने तथा प्रार्थना विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी थी। यहाँ सन 1970 ईस्वी में अमेरिकन एथिस्ट सेंटर ऑफ करने के प्रारंभ किया गया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया के एडलेड गया, उस समय वहाँ रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के सेक्रेटरी लॉरेंस बुलक थे। उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर एथिस्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धिवादी और मानवतावादी संगठन अपने नाम के साथ नास्तिक शब्द को जोड़ना ज़्यादा उपयुक्त पा रहे हैं, क्योंकि यह शब्द उनके दृष्टिकोण का सही प्रतिनिधित्व करता है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के इन संगठनों ने मुझे नास्तिकता पर अपने विचार रखने का खुला और स्वतंत्र मंच प्रदान किया। इससे बड़ी बात यह हुई कि क्वेकर समूहों ने मुझे अपने हर सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए बुलाना शुरू कर दिया था। अब नास्तिकता केवल गाली का शब्द नहीं रह गया था। नास्तिकों के आचरण ने उसे पतन के गर्त से निकाल लिया है। अब उसे वह सम्मान मिलने लगा है जो उसका है और जो अब तक उसे दिए जाने से वंचित रखा जा रहा है। हमने सन 1970 ईस्वी में पटमटा में नास्तिक सम्मेलन किया और सन 1972 ईस्वी में विश्व नास्तिक सम्मेलन किया। माइडालिन मरे वो हेयर अध्यक्षता करने आने वाली थी, पर वीजा की दिक्कत के कारण नहीं आ पाई। इस सम्मेलन में कोयम्बतूर के आर कस्तूरी ने मेरी पुस्तक पॉजिटिव एथीइज्म का विमोचन किया। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका से दो प्रतिनिधि मार्गरेट रेश और एडविन लिंडसेन आए थे। गोरा जी ने नास्तिकता को नकारात्मक से सकारात्मक बनाया और अनेक दोस्तों और सहचरों को प्रेरणा देकर नास्तिकता अपनाकर अपने जीवन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल पॉजिटिव एथिज्म एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन।